जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद है। स्पिन चैनल पर आपका स्वागत है। आज कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो प्रश्न हमारे को प्राप्त हुआ है, उसमें पूछा गया है कि गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रों में साधना कौन सी की जाएगी, किन देवियों की आराधना की जाती है। तो हम आपके सामने बताना चाहेंगे, गुप्त नवरात्रे का नाम गुप्त इसलिए रखा गया है कि जो दो नवरात्रे प्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, वह नवरात्रे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गृहस्थ व्यक्ति भी उस नवरात्रों में माता रानी की आराधना कर सकता है। परंतु गुप्त नवरात्रों को गुप्त इसलिए कहा गया, यह किसी विशेष साधना के लिए, विशेष सिद्धि के लिए आमतौर पर तांत्रिकों के द्वारा, पंडित पुजारियों के द्वारा, किसी विधि विधान के द्वारा, किसी का संकट काटने के लिए, किसी की समस्या के निवारण हेतु माता का आवाहन करके उन्हें स्थापन किया जाता है। उनकी चौकी लगाई जाती है, चौकी पर माता को स्थापित किया जाएगा, पूरे विधि विधान से उनका आवाहन किया जाएगा, प्रतिष्ठान किया जाएगा, उन्हें वस्त्र अर्पण, फूल धूप दीप नवेद अर्पण किया जाएगा, वस्त्र अर्पण किए जाएंगे और माता का आवाहन करके जो चौकी स्थापित की जाएगी, पूरे 9 दिन देवियों के जो 9 रूप हैं उन 9 दुर्गा का आवाहन करते हुए उनकी पूजा आरती चालीसा की जाएगी हर दिन। और इसी प्रकार से, परंतु इसमें सावधानी रखनी होगी कि जो आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अलग अलग देवियों के जो चमनलाल भारद्वाज द्वारा अलग अलग विधि विधान दिए गए हैं, उनकी आरतियां दी गई हैं, वो आरतियां ही स्पेशल उनकी उसी दिन की जाएंगी, अलग अलग 9 दिन। और गुप्त रखा जाएगा इन नवरात्रों में अपनी साधना को, किसी भी व्यक्ति को ना बताएं। यदि आपके परिवार में आप नहीं छुपा सकते हैं तो केवल परिवार के ही व्यक्तियों को इसका पता रहे, अन्य किसी व्यक्ति को इस साधना के बारे में, नवरात्रे यदि आपने रखे हैं तो नवरात्रों के बारे में किसी और को जानकारी ना दी जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रि जब भी आप रखते हैं तो इसे गुप्त रखना जरूरी है, आपको इसका पूर्ण फल सिर्फ तभी प्राप्त हो सकता है। गुप्त साधना करें, और ये समय कलयुग का है, इसलिए साधनाओं की, भक्ति की, जप तप जो भी यदि आप करते हैं तो उसे आपको छुपा कर करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक तिजोरी को बनिया जो लालाजी होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वो छुपा कर रखते हैं तो तिजोरी का धन किसी को नहीं दिखाते, ऐसे ही साधना के द्वारा, जप तप नियम हवन के द्वारा जो आप अपनी साधना को उच्च स्तर तक लेकर जाते हैं, तो जितना आप छुपा कर साधना करते हैं, वह साधना किसी को यदि नहीं बताते हैं तो उसमें तरक्की भी 4 चांद लगाने वाली आपको प्राप्त होती है। दिन दौनी रात चौगनी आपको तरक्की प्राप्त होती है, सफलता के आप शिखर को चूमने लगते हैं। तो उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता की जो आराधना साधना आप जब तक नियम करते हैं, पाठ नियम पूजा पाठ करते हैं, उन सब का आपको पूर्ण रूपेण फल प्राप्त हो, उसके लिए आपको ये सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी। नवरात्रों में आप हर प्रकार से पूजा के नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन जहां होता हो वहां पर भी ना बैठें तो ये उत्तम होगा, और आपने तो इनसे हमेशा 9 के 9 दिन दूर रहना है। शुरुआत में हवन से आप शुरुआत करें, प्रतिदिन हर देवी के मंत्रों की कम से कम 108 आहुति से उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें भोग अर्पण करें। हवन के माध्यम से जो कि अग्निदेव को वरदान प्राप्त है कि जिस देवता को आप पहुंचाना चाहें, हवन के माध्यम से, दीप धूप के माध्यम से अपने उस भोग को उस देवी देवता तक आप पहुँचा सकते हैं, तो अग्निदेव के माध्यम से आहुति देकर 108 आहुति उसी हर देवी का जो मंत्र है, हर देवी की जो साधना है, उसकी अलग अलग 9 वीडियो प्रत्येक देवी के हिसाब से, मंत्र के हिसाब से, पूजा अर्चना क्या की जाए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर देवी का अलग अलग मंत्र आपको उन वीडियोज में प्राप्त हो जाएगा।
गुप्त नवरात्रों में आप कैसी भी सिद्धि साधना चाहते हैं, देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, किसी संकट परेशानी से उद्धार के लिए, अपने समस्या के समाधान के लिए यह साधना कर सकते हैं। और नौवें दिन जब आपकी इसमें नवरात्रों की पूर्णाहुति होती है तो उसी प्रकार से हवन करके कंजकों को बिठाया जाता है। आप कंजकें 7 या 9 कंजकों को ला करके उन्हें हलवा पूरी छोले जिस प्रकार से भी आप यथा योग्य समर्थ हों, फल फूल यदि उन्हें प्रदान कर सकें, चुनरी उड़ा सकें, उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे सकें, तो माता इस कार्य से आपसे बहुत अच्छे प्रकार से प्रसन्न होती हैं। किसी भी साधना के बाद क्षमा याचना जरूर करें। अनेक ऐसे मंत्र हैं जो आपको छोटी सी भी त्रुटि यदि रह गई हो तो उसकी पूर्णाहुति के समय यदि क्षमा याचना करते हैं तो उन मंत्रों के माध्यम से आपको माता से क्षमा भी प्राप्त हो जाती है और आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है। तो अनेक प्रकार से आप सावधानियां जो रखेंगे इसमें, गुप्त रखें अपनी साधना को, किसी के सामने जाहिर ना करें कि हम साधना कर रहे हैं। प्याज लहसुन का मांस मदिरा का परहेज रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और प्रतिदिन यदि हो सके तो 11 माला नवारण मंत्र की अवश्य करें। इस प्रकार से माता की साधना करते हुए आप पर माता की विशेष कृपा बने, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी समस्याएं पहुंचा सकते हैं, प्रश्न पहुंचा सकते हैं, उससे संबंधित अगली वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। और इंस्टा आईडी पर आप अपनी कोई भी समस्या, कोई धूप दीप नवेद से संबंधित या ज्योत से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहें तो फोटो या वीडियो के माध्यम से सेंड करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री।